सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम फीमेल कौन के बारे में चर्चा करेंगे। करीब 10 से 12 वर्ष बाद पाइनस पाद अपने मादा संघ को उत्पन्न होते हैं। मैदानी इलाकों में दिसंबर या जनवरी तथा पहाड़ी भागों में अप्रैल या मई माह में मादा शंकुओं का निर्माण हो जाता है। मादा शंकु असीमित वर्दी की शाखाओं अर्थात लंबे प्रो के शीर्ष भाग पर स्थित स्केल लीव्स के कक्ष में समूह के रूप में लगते हैं। प्रत्येक समूह में मादा शंकुओं की संख्या 1 से 4 तक होती है। शुरू में मादा शंकु हरे रंग का होता है, जबकि परिपक्व होने पर भूरे लाल रंग का होता है। परिपक्व होने से बीज बनने में 3 वर्ष तक का समय लगता है। प्रथम वर्ष में शंकु बहुत छोटे होते हैं तथा दूसरे वर्ष में ये आकार में बढ़कर गुरु बीजाणु पर संघनन रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। अंत में तीसरे वर्ष में शंकु परिपक्व हो जाते हैं तथा इनका केंद्रीय अक्ष लंबा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजाणुपणों में दूरी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक मादा शंकु छोटे वृंत युक्त तथा शल्कों द्वारा ढका रहता है। मादा शंकु करीब 5 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पाइनस लैम्बर्टियाना में मादा शंकु लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा तथा 20 से 30 सेंटीमीटर तक व्यास का होता है। मादा शंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ कई गुरु बीजाणुपण स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक गुरु बीजाणुपण पर दो तरह के स्केल मिलते हैं, ब्रेक्ट स्केल तथा ओवलिफोरस स्केल। ब्रेक्ट यानी सहपत्र सल्क, ये छोटे झिल्ली में चर्मील तथा शंकु अक्ष पर बीजाणुदार सल्क के नीचे सीधे जुड़े रहते हैं। शंकु के परिपक्व होने पर ये सल्क मुड़ जाते हैं, जिसे बीजों का प्रकीर्णन आसान हो जाता है। सहपत्र शल्क में एक सेवन पुल मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सहपत्र शल्क कार्फलरी स्केल भी कहलाते हैं। एंड बी शल्क ओलिफेरस स्केल, ये भूरी मोटी दृढ़ काष्ठीय संरचना है जो सहपत्र शल्क के अपाक्ष भाग से जुड़ी होती है। इसका ऊपरी मोटा तथा चौड़ा भाग अधःस्तिपिका कहलाता है। अधःस्तिपिका पृष्ठीय दृश्य में चतुष्कोणीय होता है। इसका मध्य केंद्रीय भाग अम्बो कहलाता है। प्रत्येक बीजाणु दरअसल की अपाक्ष सतह पर आधार के पास दो बीजाणु लगे रहते हैं, जो ऋजु प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बीजाणु का बीजाणु द्वार शंकु के अक्ष की ओर दर्शित रहता है। बीजाणु दरअसल के आकार की प्रकृति, समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित तर्कों के आधार पर बीजाणु दरअसल के आकार की आकृति को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि बीजाणु दरअसल एक स्वतंत्र अंडप है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक प्लीसेंटा है। कुछ वैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि एक चपटाक्षीय पर्व, जबकि अन्य के अनुसार ये अक्षीय पर्व की पहली व अंतिम प्रण है। आकार की प्रकृति आज भी विवादास्पद बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों की धारणाएं निम्न है। रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार बीजाणु दरअसल पत्र शल्क के कक्ष में स्थित एक खुला हुआ अंडप है। इस पर नग्न बीजाणु लगते हैं। वैज्ञानिकों के इस मत की तीव्र आलोचना की
स्लीडन के मतानुसार बीजाणुधार सलक सहपत्र के कक्ष में लगी हुई एक कक्षीय बीजाणु है। अलेक्जेंडर ब्राउन के अनुसार बीजाणुधार सलक का निर्माण कक्षीय परों की पहली दो पंक्तियों में के मिलने से होता है। वान टिंगम के अनुसार सहपत्र सलक एक पर्ण है, जबकि बीजाणुधार सलक सहपत्र सलक की कक्ष में उत्पन्न एक पत्युक्त शाखा है। सेक्स एवं आई कलर के अनुसार सहपत्र एक अंडप है तथा बीजाणुधार सलक एक लिग्यूल जैसी अतिवर्ती है। ये सिलीले जिनेला के लिग्यूल अथवा एंजियोस्पर्म के प्लेसेंटा के समकक्ष है। फ्लोरीन के अनुसार पाइनस का मादा शंकु आवर्ती बीजी पादपों के पुष्पक्रम के सब पत्र हैं। उन्होंने शंकुवक्ष और पुष्पावली वृंत के समान बताया। उन्होंने सहपत्र सलक व बीजाणुधार सलक के लिए बीज सलक सहमिश्र सीड स्केल कॉम्प्लेक्स शब्द का नाम दिया तथा बताया कि पाइनस में अत्यधिक सम्मानित बीज सलक सहमिश्रण के अंतिम छोर पर बीजाणु लगे रहते हैं। माहेश्वरी व कोनार के अनुसार अधिकांश मत ऐतिहासिक महत्व के हैं। उपरोक्त मतों के अनुसार संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बीजाणुधार सलक एक अंडप अथवा एक चपटा अथवा चपटाक्ष अथवा अक्षीय शाखा पर एकल पर्ण अथवा एक जरायु अथवा एक लेग्यूल अथवा दो बीजाणु युक्त एक अवशेषी मादा पुष्प है। बीजाणु का परिवर्धन एक से ज़्यादा पृष्ठीय आरंभिक कोशिकाओं से विकसित होने के कारण गुरु बीजाणु दानी का विकास यू स्पोरिजेंट प्रकार का कहलाता है। बीजाणुधार सलक की अपाक्ष सतह पर मर्दुद्वीकीय कोशिकाओं के बने छोटे उभार के रूप में गुरु बीजाणु दानी बनती है। ये विकसित होकर बीजाणुकाय बनाता है। इसकी वृद्धि के साथ साथ बीजाणुकाय के आधार से ये वल्याकार अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, जिसका कार्य बीजाणुकाय के चारों तरफ एक आवरण बनाना है। इस आवरण को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण के शीर्ष में संकीर्ण छिद्र बीजाणुद्वार कहलाता है। बीजाणुद्वार शंकुवक्ष की ओर स्थित रहता है। यद्यपि अध्यावरण बीजाणुकाय को चारों तरफ से घेरे रहता है, परंतु शीर्ष भाग पर संकीर्ण छिद्र बीजाणुद्वार के आंतरिक भाग में अध्यावरण बीजाणुकाय से स्वतंत्र होकर बीजाणुद्वार या नलिका का निर्माण करता है। बीजाणुकाय से बीजाणुद्वार की तरफ कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने से फ्लास्क जैसा प्राग कोष्ठ पोलन चेम्बर बनता है। बीजाणुकाय में बीजाणुद्वार की तरफ स्थित एक अदस्त त्वचीय कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी हो जाती है, जिसका केंद्रक बड़ा तथा जीवित रूप संघन हो जाता है। ये कोशिका आर्के स्पोरियल सेल कहलाती है। इस कोशिका में प्रीक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप ऊपरी पैराइटल सेल तथा नीचे वाली मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। जो भीतरी कोशिकाओं में प्रीक्लाइनल डिवीजन द्वारा एपिटम नामक पोषक परत बनती है, जबकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होने से चार अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु रेखा में व्यवस्थित होने से इन्हें रेखीय चतुष्क कहते हैं। माहेश्वरी व कोनार ने कई भी उदाहरणों में टी आकार के चतुष्क का उल्लेख किया है। रामचंदानी ने पाइनस वेलिसियाना जैसे कतिपय जातियों में चतुष्क के स्थान पर केवल त्रिक के रूप में तीन गुरु बीजाणु ही देखा। इन चार गुरु बीजाणुओं में से बीजाणुद्वार के औसत तीन गुरु नष्ट हो जाते हैं तथा शेष एक गुरु बीजाणु ही कार्यशील रहता है। बीजाणु की संरचना पाइनस का बीजाणु भी साइकस के समान
ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। इसका बीजांड द्वार शंकु के अक्ष की ओर व्यवस्थित बीजांड द्वार सेल की अपाक सतह पर बीजांड स्थित रहता है। बीजांड निम्न भागों में विभक्त होता है। बीजांड काय ये मर्दोत्तक द्वारा निर्मित बीजांड का मुख्य भाग। बीजांड काय के आंतरिक भाग में मादा युग्मोद्भिद उपस्थित रहता है। इस मादा युग्मोद्भिद के बीजांड द्वारा क्षेत्र में स्त्री दानी उपस्थित रहती है। इंटेगमेंट अध्यावरण ये बीजांड के चारों तरफ एक मोटी रक्षात्मक परत है जिसका शीर्ष भाग बीजांड द्वार कहलाता है। साइकस के समान इसमें भी बाहरी तथा आंतरिक मांसल परतें तथा मध्य की स्टोनी परत मिलती है। बीजांड काय की शुरू की विकास अवस्था में बीजांड काय तथा अध्यावरण स्वतंत्र होते हैं। तत्पश्चात परिपक्व होने पर सिर्फ शीर्ष भाग ही स्वतंत्र रहता है जिसे बीजांड काय के ऊपरी भाग में अध्यावरण तथा बीजांड काय के मध्य खाली स्थान रहता है। यह स्थान प्राग प्रकोष्ठ यानी पोलन चैम्बर कहलाता है जिसमें परागण पश्चात परागण एकत्रित होते हैं। बीजांड द्वार बीजांड के शीर्ष पर उपस्थित संकीर्ण क्षेत्र बीजांड द्वार कहलाता है। वास्कुलर सिस्टम सुविकसित स्वतंत्र तंत्र नहीं मिलता। आधार पर स्थित कतिपय वाहिनिकाएँ ही स्वतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से हमने पाइनस के फीमेल कोन के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।